हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट अवर चैनल पीजी आरएमएस। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ्स एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन 1 एवेल्युएट। स्टूडेंट्स, यहाँ आपको यह कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नंबर्स दिए गए हैं, आपने इनके वैल्यू फाइंड करनी है। देखो स्टूडेंट, यहाँ इन सम्स को सॉल्व करने से पहले हमको कुछ इनके रूल्स स्टडी करने चाहिए। जैसे कोई नंबर है a पावर -1, इट मीन्स हो गया 1/a। कहने का मीन्स ये है कि जब किसी भी नंबर की नेगेटिव पावर हो तो वो 1 हो जाता है। जैसे ये 3 की पावर -2 है तो यह 1/3 पावर 2 हो गया। दैट्स ओके। नेक्स्ट रूल है a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इज इक्वल a पावर m माइनस n। कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर यह कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यह ए एम एन क्या है। इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू बेटर वे में समझा देते हैं। जैसे मान लो आप 32 में 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप 32 के फैक्टर करेंगे इस तरह से। 32 को 2 से डिवाइड किया, 16 हो गया, फिर 2 से डिवाइड किया, 8 हो गया। ये आप जानते हो ना, इक्वल हो जाएगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिटर्न करेंगे तो यह हो गया 2 पावर 1 2 3 4 5। ये हो गया 2 पावर 5। अब वाली 8 की है, 8 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये हो गया 2 into 2 into 2 मीन्स 2 की पावर 1 2 3 2 पावर 3 हो गया। अब हम इसके अकॉर्डिंग करें, ये a पावर m डिवाइड a पावर n इज इक्वल, गिवन है आपको a पावर m माइनस n इज इक्वल 2 पावर 5 माइनस 3। या a के प्लेस पर तो 2 हो गया, m के प्लेस पर 5 और n के प्लेस पर 3। इस तरह से ये हो गया 2 पावर 5 माइनस 3 इज इक्वल क्या हुआ 2। 2 पावर 2 मीन्स 2 into 2 इज इक्वल 4। That's okay. 32 को 8 से डिवाइड करोगे तो आंसर 8 4 टाइम 32 ही आएगा ना। यह आपके सिंपल डिवीजन है और यह एक्सपोनेंशियल रूल के थ्रू है। That's okay. आपको यह बात अब ठीक से समझ आ गई होगी। इसका नेक्स्ट रूल करते हैं। ये है a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल a पावर m प्लस n। जैसे आप 8 में 4 का मल्टीप्लाई करें तो वह 32 ही होगा ना। अब इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म के थ्रू समझाते हैं। 8 मीन्स हो गया 2 into 2 into 2 2 2 जा 4 2 जा 8। और अब देखो ये वाला इंटू लेते हैं और ये 4 मीन्स हो गया 2 into 2 इज इक्वल, देखो ये हो गया 2 पावर 1 2 3 4 5 2 पावर 5 हो गया। दूसरे रूप से इसके अकॉर्डिंग देखो, ये 8 मीन्स 2 के पावर 3 है 2 पावर 3 और यह 4 मीन्स 2 into 2 है इंटू इज इक्वल हो गया, देखो यह a के प्लेस पर तो 2 हो गया, m के प्लेस पर 3 और n के प्लेस पर 2। अब रूल अप्लाई करें, इज इक्वल 2 पावर 8 मीन्स 2 प्लस 3 2 प्लस 3 तो यह 2 पावर 5 हो गया। सेम ये है 5 टाइम है ना 2, तो यह भी 2 पावर 5 हो गया। दैट्स ओके। यह रूल शायद आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो 1 टाइम में कोई कंफ्यूजन रह रहा हो तो आप इसे 2 टाइम केयरफुली लिसन करेंगे तो आपको ठीक से समझ आ जाएगा। अब आगे के रूल आपके टाइम को सेव करने के लिए बिना प्रूव कराए डायरेक्ट नोट कर देते हैं, जो कि आपने लर्न कर लेने हैं। नेक्स्ट रूल है a पावर m ब्रैकेट n इज इक्वल a पावर m इंटू n। जब पावर के भी पावर हो तो वह पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ओके। नेक्स्ट है a पावर m इंटू b पावर m इज इक्वल a b पावर m। इट मीन्स जब पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर सेम यूज हो जाती है। ओके। नेक्स्ट रूल a पावर m अपॉन b power m is equal a upon b power m। और वन रूल और है, a पावर जीरो इज इक्वल वन। जब किसी भी नंबर की पावर जीरो बनती है तो उसकी वैल्यू वन होती है। ओके, इसमें आपको डाउट होगा, इसे एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। जैसे मान लो आप 8 में 8 का डिवीजन करें तो आंसर वन आएगा ना। 8 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप रिटर्न करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 2 पावर 3 अपॉन यह भी 2 पावर 3 हो गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करें, a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इज इक्वल a पावर m माइनस n। तो यह हो गया 2 पावर 3 माइनस 3, तो यह 2 पावर 0 हो गया ना। अब रूल कहता है a पावर 0 इज इक्वल 1। 8 में 8 का डिवाइड किया तो 1 ही हुआ ना, और यह भी 1 आया। दैट्स ओके। अब हम डायरेक्ट सम पे आते हैं। ये है पार्ट 1। देखो स्टूडेंट, इन सब में यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, a पावर -1 इज इक्वल 1 अपॉन a। ये रूल्स इन सभी में यूज होगा, इसीलिए यहाँ रिटर्न रहने देते हैं। ये 3 पावर -2 है, 8 मीन्स हो गया 1 अपॉन 3 पावर 2। 8 मीन्स हो गया यह 1 अपॉन 3 इंटू 3 इज इक्वल 1 अपॉन 3 3 या 9। ओके, अब पार्ट 2 करते हैं, या -4 पावर -2। तो आप यही फॉर्मूला अप्लाई करें, a पावर -1 इज इक्वल 1 अपॉन a इज इक्वल हो गया ये 1 अपॉन -4 पावर 2। 1 अपॉन करने पर यह नेगेटिव पावर पॉजिटिव हो जाती है। अब आगे सॉल्व करें, इज इक्वल 1 अपॉन -4 इंटू -4। ये हो गया 1 अपॉन, देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, और 4 इंटू 4 16 हो गया, तो ये हो गया 1 अपॉन 16। अब पार्ट 3 करते हैं, या 1 अपॉन 2 पावर -5। तो देखो ये 3 का 1 अपॉन 3, 4 का 1 अपॉन 4, यह रेसिप्रोकल ही तो हो रहे हैं। रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा। इसी तरह से यह हो जाएगा 2 अपॉन 1 पावर 5। अपॉन 1 रिटर्न करें या नहीं करें इसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती। 8 मीन्स हो गया 2 पावर 5, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम। अब यह मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। इस तरह से हो गया 32। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 2, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला गया है कि आप इन नंबर्स को पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट, इनको सिंप्लीफाई करना है। कहने का मीन्स इनको सॉल्व करना है, इनके आंसर पावर में आने चाहिए और वह पावर पॉजिटिव होनी चाहिए। इस तरह से इन्हें सिंप्लीफाई करना है। सॉल्व करते हैं, पार्ट 1, -4 पावर 5 डिवाइड बाई -4 पावर 8। स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, पार्ट 1 आपको गिवन है -4 पावर 5 डिवाइड बाई -4 पावर 8। स्टूडेंट, यहाँ फॉर्मूला अप्लाई होगा, a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इज इक्वल a पावर m माइनस n। देखो इज इक्वल हो गया, a मीन्स बेस जो कि -4 है, तो ये हो गया -4 पावर 5 और ये माइनस n के प्लेस पर 8 इज इक्वल -4 इसके पावर हुए 5 माइनस 8 इज इक्वल -3। स्टूडेंट, यहाँ आपसे बोला है कि पॉजिटिव एक्सपोनेंट देने हैं, इट मीन्स ये जो पावर है पॉजिटिव में आनी चाहिए। आप रूल जानते हैं ना, a पावर -1 इज इक्वल 1 अपॉन a, इट मीन्स यह 1 अपॉन हो जाएगा। ये हो गया 1 अपॉन -4 पावर 3। दैट्स ओके। अब पार्ट 2 करते हैं, पार्ट 2 ये है 1 अपॉन 2 पावर 3 होल पावर 2। देखो स्टूडेंट, आप एक रूल जानते हैं, a पावर m ब्रैकेट n इज इक्वल a पावर m इंटू n। इस रूल के थ्रू ये हो गया 1/1 के पावर तो कितने भी कर लो 1 इंटू 1 वो तो 1 ही रहना है, और यह हो गया 2/3 इंटू 2। इस रूल के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई हो गया, एज इक्वल हो गया 1/2 पावर 6। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं पार्ट थर्ड। ये है -3/4 इंटू 5/3/4। देखो स्टूडेंट, यह -3/4 है, इट मीन्स -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3। तो देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो यह नेगेटिव तो हो गया पॉजिटिव। इट मीन्स ये -3/4, इट मीन्स 3/4 ही है। ओके, इंटू देखो ये होल ब्रैकेट पावर 4 है ना, इट मीन्स है 5 के भी पावर 4 और 3 के भी पावर 4। ओके, देखो स्टूडेंट 3/4 से 3/4 कट गया, या आप फॉर्मूला अप्लाई करें a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इज इक्वल a पावर m माइनस n, तो यह 3 के पावर 4 माइनस 4 हो गया। यह माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, आपको सब एक्सप्लेन किया था। इस तरह से यह 3/0 हो गया। आप जानते हैं a पावर 0 इज इक्वल 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। अब यह पार्ट करते हैं, ये 3/4 तो खत्म हुआ, अब आपके पास में 5/4 है इज इक्वल 1, और अब हम इसे यूज करें इंटू 5/4 इज इक्वल आपका आंसर 5/4 ही आया। दैट्स ओके। आपको यह सम लग रहा हो कि ये बहुत लेंथी है, तो यह शॉर्ट में भी हो जाएगा। देखो जैसे आपको बताया था कि ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो 3/4 से 3/4 शॉर्ट हो गया, आपका आंसर हो गया 5/4 ये वाला। दैट्स ओके। आपको दोनों भी बता दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसे यूज करें। ओके, अब आपको फोर्थ पार्ट कराते हैं। पार्ट 4, 3 पावर -7 डिवाइड बाई 3 पावर -10 इंटू 3 पावर -5। स्टूडेंट आप बोर्ड मास तो जानते हो ना, बोर्ड मास से अप्लाई करते हैं। देखो ये हो गया 3 पावर -7 माइनस -10। यहाँ रूल कौन सा अप्लाई हुआ, a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इज इक्वल a पावर m माइनस n। और देखो यह 3 पावर -5 सेम एज नोट कर दिया। यहाँ रूल आपको एक्सप्लेन करता है कि जब डिवीजन हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वही हम यहाँ कर रहे हैं। ये डिवाइड है तो यह पावर सब्ट्रैक्ट हो गई। ओके, इज इक्वल हो गया 3 पावर, देखो यह -7 है और यह माइनस ब्रैकेट माइनस, इट मीन्स माइनस इंटू माइनस, यह प्लस हो गया 10। तो इसे सेम एज नोट करें इंटू 3 पावर -5। अब देखो 3 पावर या +10 -7, तो यह 3 पावर 3 हुआ ना, इंटू 3 पावर -5 यह वाला। अब देखो ये हो गया इज इक्वल 3 पावर 3 प्लस ब्रैकेट -5। यहाँ आपने रूल अप्लाई किया है a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल a पावर m प्लस n, मीन्स पावर्स को ऐड किया है, ये ऐड किया है ना। इज इक्वल आंसर हो गया 3 पावर, देखो ये 3 प्लस है 5 माइनस है, आंसर तो -2 आया ना, बट आपने इनका आंसर पॉजिटिव पावर में देना है, तो आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे a पावर -1 इज इक्वल 1/a। इस तरह से यह हो गया 1/3/2। ओके, ये 32 मत कर देना, पावर को थोड़ा सा अप रिटर्न किया जाता है। दैट्स ओके। वैदिक कथाओं को जानने, सुखी संपन्न व आदर्श जीवन जीने के लिए खुद सुने, अपने भाई बहन व अपने माता पिता को सुनाए। दिव्य सनातन कथा। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट फिफ्थ 2 पावर -3 इंटू -7 पावर -3। स्टूडेंट, आपको एक रूल बताया गया था, ए पावर एम इंटू बी पावर एम इज इक्वल ए बी पावर एम। देखो ए के प्लेस पर 2 है, एम के प्लेस पर -3 है, बी के प्लेस पर -7 है और एम के प्लेस पर यह -3 है। तो हम ए बी पावर एम यह फॉर्मूला अप्लाई करें। ए बी मीन्स 2 इंटू -7 पावर -3। अब देखो 2 7 टाइम ये 14 हो गया, मीन्स -14 और इसकी पावर -3 है। जब पावर नेगेटिव हो तो वह रेसिप्रोकल हो जाता है। इट मीन्स 1/-14 पावर 3। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ। स्टूडेंट, यहाँ आपको इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। देखो स्टूडेंट, ये है 3 पावर 0 इज इक्वल, आप जानते हैं ना a पावर 0 इज इक्वल 1, तो यह 1 हो गया प्लस ये वाला। और देखो ये 4 पावर -1 है, जब पावर माइनस होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है। इट मीन्स 1/4 इंटू 2 पावर 2। देखो स्टूडेंट, यह 1 प्लस 1/4 है ना, ये तो फ्रैक्शन है और ये नॉन फ्रैक्शन है, तो आप इसके अपॉन 1 करोगे ना। अब इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, उसके लिए आप इसमें अप डाउन 4 का मल्टीप्लाई करोगे। ओके, इंटू या 2 के पावर 2, इट मीन्स 2 इंटू 2 2 इंटू 2। अब देखो ये हो गया 1/4 टाइम 4 4/4 प्लस 1/4 इंटू 2 2 या 4। अब देखो स्टूडेंट, इन्हें सॉल्व करते हैं तो 4 प्लस 1 5 हो गया इज इक्वल 5/4 और इंटू ये वाला 4। अब आप इस 4 से इस 4 को सॉर्ट करते हैं तो आपका आंसर क्या हुआ 5। यहाँ नोट कर दें इज इक्वल 5। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। पार्ट सेकेंड 2 पावर -1 इंटू 4 पावर -1 डिवाइड बाई 2 पावर -2। देखो स्टूडेंट, यह पावर -1 है तो इज इक्वल 1/2 हो गया इंटू 4 पावर -1 है तो यह भी 1/4 हो गया डिवाइड बाई 2 पावर -2। इस माइनस को हम खत्म करेंगे तो यह 1/2 पावर 2 हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो 1 टाइम 1 हो गया और 2 4 टाइम 8 हो गया और यह डिवाइड है ना, इसे हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो यह रेसिप्रोकल हो गया। इट मीन्स हो गया 2 पावर 2 इज इक्वल, यह 1/8 है, 2 पावर 2 में 2 2 या 4 इंटू 4 हो गया। अब देखो 4 1 टाइम 4 और 4 2 टाइम 8, यह 2 हो गया। इस तरह से इसका आंसर हुआ 1/2। यहाँ रिटर्न कर दें 1/2। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं। पार्ट थर्ड 1/2 पावर -2 प्लस 1/3 पावर -2 प्लस 1/4 पावर -2। स्टूडेंट, जब पावर नेगेटिव होती हैं तो यह रेसिप्रोकल हो जाते हैं। इस तरह से यह हो गया 2 पावर 2 प्लस 3 पावर 2 प्लस 4 पावर 2। यह 2 पावर 2, इट मीन्स 2 इंटू 2 क्या हुआ 4। सेम यह 3 इंटू 3 मीन्स 9 हो गया और यह 4 इंटू 4 मीन्स 16 हो गया। अब देखो 4 प्लस 9 13 हो गया, 13 प्लस 16 यह 29 हो गया। इनका आंसर हुआ 29। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पार्ट 4 3 पावर -1 प्लस 4 पावर -1 प्लस 5 पावर -1 होल पावर 0। देखो स्टूडेंट यह 3 पावर -1 है, इट मीन्स हो गया 1/3 प्लस यह 4 पावर -1 है, इट मीन्स हो गया 1/4 प्लस 5 पावर -1 है तो यह हो गया 1/5, इनके होल पावर है 0। स्टूडेंट इसे आप दो तरह से कर सकते हैं, एक तो आप इनका एलसीएम लें फिर इनके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मल्टीप्लाई करें उसके बाद इनको ऐड करें, जो भी आंसर होगा उसके पावर यह 0 है। आप जानते हैं a पावर 0 इज इक्वल 1 तो इन एंड इसका आंसर हो गया 1। क्यों? क्योंकि a पावर 0 इज इक्वल 1 होता है। दैट्स ओके। आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट नोट कर सकते हैं 1 और इसका रीजन है a पावर 0 इज इक्वल 1। दैट्स ओके, इतना शॉर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट 5 -2/3 पावर -2 होल पावर 2। स्टूडेंट देखो यह पावर नेगेटिव है इसीलिए यह रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मीन्स ये हो गया 3/-2 होल पावर या +2 हो गया इनटू यह वाला 2, यह हो गया 3/-2 पावर 2 और इसका भी होल पावर 2। इस तरह से ये हो गया 3/-2 पावर 2 इनटू 2। क्यों? a पावर m इनटू n इज इक्वल a पावर m n मीन्स m इनटू n। ओके, इस तरह से यह हो गया 3/-2 होल पावर 4। स्टूडेंट इसके होल पावर 4 है, इट मीन्स इनको 4 टाइम मल्टीप्लाई किया जाएगा। 3/-2 इनटू 3/-2 इनटू 3/-2 इनटू 3/-2। अब देखो यह 3 3 या 9 3 या 27 3 या 81, इस तरह हो गया यह 81। यह माइनस इनटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इनटू माइनस माइनस हो गया और माइनस इनटू माइनस प्लस हो गया। तो यह माइनस से तो प्लस हो गया, 2 2 या 4 2 या 8 2 या 16, इस तरह से यह हो गया 81/16। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 4, एवेल्युएट 8 पावर -1 इनटू 5 पावर 3 अपॉन 2 पावर -4। स्टूडेंट इसे सॉल्व करें। देखो स्टूडेंट यह 8 पावर -1 है, इट मीन्स हो गया 1/8 इनटू यह 5 पावर 3 है 5 पावर 3 अपॉन ये 2 पावर -4 है तो ये हो गया 1/2 पावर 4। स्टूडेंट इस तरह से यह ट्रिपल फ्रैक्शन जाते हैं तो डाउन वाला अप हो जाता है, इस तरह से ये हो गया अब जाके 2 पावर 4। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो ये 1 तो 1 ही है, 5 पावर 3 इट मीन्स 5 इनटू 5 और यह 2 पावर 4 है, इट मीन्स 2 इनटू 2 इनटू 2 इनटू 2 अपॉन यह 8 है, 8 को आप 2 2 या 4 2 या 8 कर सकते हैं। इनटू 1 है तो आप 1 नोट करें नहीं करें क्योंकि 2 1 या 2 हो गया। ओके, अब देखो इस 2 से यह 2 शॉर्ट हो गया, इस 2 से यह 2 शॉर्ट हो गया और इस 2 से यह 2 शॉर्ट हो गया। अब हमारे पास में है 5 इनटू 5 25 हो गया, इनटू 5 125 हो गया, इनटू 2 125 इनटू 2 ये हो गया 250। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पार्ट 2 5 पावर -1 इनटू 2 पावर -1 इनटू 6 पावर -1। देखो स्टूडेंट यह 5 पावर -1 है, इट मीन्स यह 1/5 हो गया इनटू यह 2 पावर -1 है, इट मीन्स 1/2 हो गया, इनटू 6 पावर -1 है, इट मीन्स 1/6 हो गया। अब देखो 1 इनटू 1 1 हो गया, इनटू 1 आप में तो यह 1 ही रहा अपॉन 5 2 टाइम 10 6 टाइम 60 इस तरह ये हो गया 1/60। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 पावर m डिवाइड बाई 5 पावर माइनस 3 इज इक्वल 5 पावर 5। देखो स्टूडेंट, ये है 5 पावर m डिवाइड बाई 5 पावर माइनस 3, ये हो गया इज इक्वल 5 पावर m माइनस 3 इज इक्वल 5 पावर 5। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके पास रूल है a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इज इक्वल a पावर m माइनस n। ओके, इस तरह से ये हो गया 5 पावर m और यह माइनस इंटू माइनस यह प्लस हो गया, ये 3 इज इक्वल 5 पावर 5। अब आप यहाँ पर नोट करें बाई कंपेयरिंग इक्वल पावर। ये देखो, ये 5 5 सेम है, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएंगे, आपके लिए रिमेनिंग होगा m + 3 = 5। आप यहाँ नोट कर लें m + 3 = 5। अब देखो ये +3 है, आप इसे ट्रांसफर करेंगे तो -3 हो जाएगा। इस तरह ये हो गया m = 5 और यह -3। 5 - 3 क्या हुआ? 2। तो यह हो गया m = 2। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 6, एवेल्युएट पार्ट 1 1/3 पावर -1 माइनस 1/4 पावर -1 होल पावर -1। स्टूडेंट देखो, यह 1/3 का पावर -1 है तो यह रेसिप्रोकल होगा। इस तरह से ये हो गया 3 और यह माइनस, यह 1/4 पावर -1 है तो यह हो गया 4 और इनके भी होल पावर है, यह -1। अब देखो 3 - 4 यह -1 हो गया, इसके होल पावर -1। अब इस -1 पावर को खत्म करेंगे तो यह हो गया 1/(-1^1। 1 के पावर 1 तो कुछ नहीं हुआ, इट मीन्स यह 1/(-1) हो गया। आप प्लस में माइनस का डिवाइड करेंगे तो आंसर माइनस आएगा। इस तरह से ये हो गया -1। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। ये पार्ट सेकंड, ये है 5/8 पावर -7 इंटू 8/5 पावर -4। देखो स्टूडेंट, ये पावर नेगेटिव है इसीलिए रेसिप्रोकल होगा। इसे हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या होगा? 8/5 पावर 7। इसे सेम टू सेम नोट कर लें इनटू 8/5 पावर -4। अब आगे करें, इज इक्वल हो गया यह 8/5 पावर 7 + -4। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि a पावर m इंटू a पावर n इज इक्वल a पावर m प्लस n होता है। ओके, अब यह 8/5 है, इसके पावर हो गए 7 - 4 = 3 इज इक्वल हो गया 8/5 × 8/5 × 8/5। आप मल्टीप्लाई करें, 8 8 जा 64, 8 जा होगा 512, 512 अपॉन 5 5 जा 25, 5 जा 125 अपॉन 125। दैट्स ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 7, सिंप्लीफाई 25 × (t^-4) अपॉन 5 पावर -3 इंटू 10 × (t^-8। सॉल्व करते हैं। देखो स्टूडेंट, फर्स्ट हम नंबर्स को सॉल्व करें। यह 25 है ना, ये हो गया 5 × (5 × (t^-4) अपॉन 5 पावर -3 है, 5 पावर -3 इंटू यह 10 है, इट मीन्स 2 into 5 into t पावर माइनस 8, ये वाला। अब देखो पहले हम 5 की बात करें, 8 मीन्स तो 5 पावर 2 हो गया, 5 इंटू 5 तो ये हो गया 5 पावर 2, यह डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो गया 5 माइनस 3, और ये भी डिवाइड है तो ये भी माइनस होगा 1 इंटू टी पावर माइनस 4, और यह टी पावर माइनस 8 डिवाइड हो रहा है तो ये भी सब्ट्रैक्ट होगा माइनस 8। अब देखो और इन सब के 2 रिमेनिंग रह गया तो बाय 2 कर ले। अब देखो पहले 5 की पावर करते हैं, यह 2 है, माइनस इंटू माइनस यह प्लस हो गया 3, और यह माइनस 1 इंटू टी के पावर करें तो यह माइनस 4 है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 8 अपॉन 2। अब आगे करें इज इक्वल, देखो 5 के पावर हो गए ये 2 प्लस 3 5 हो गए, 5 माइनस 1 ये हो गए 4 इंटू टी पावर 8 माइनस 4 तो ये 4 हो गया अपॉन 2। अब ये 5 पावर 4 है ना, इट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 4 टाइम होगा ना, 5 इंटू 5 25 हो गए, 25 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 125 हो गया, 125 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 625 होगा। इस तरह से ये हो गया 625 टी पावर 4 अपॉन 2 अपॉन 2, दैट्स ओके। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट, अब यह सेकंड पार्ट करते हैं। देखो यह 3 पावर माइनस 5 है, हमने सेम एज नोट कर दिया, इज इक्वल 3 पावर माइनस 5, यह 10 है, 10 मीन्स हो गया 2 इंटू 5 और यह पावर माइनस 5, और यह 125 है, इट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 हुआ, 5 5 या 25 5 या 125 मीन्स ये हो गया 5 पावर 3, यहाँ नोट करें इंटू 5 पावर 3 अपॉन यह 5 पावर माइनस 7, 5 पावर माइनस 7 इंटू यह 6 है ना, 6 मीन्स 2 इंटू 3 और यह पावर माइनस 5 माइनस 5। अब देखो यह 3 पावर माइनस 5 है, सेम एज नोट कर दिया, इनटू देखो यह 2 के पावर माइनस 5 है, 2 पावर माइनस 5 इनटू देखो यह 5 के पावर माइनस 5 है, 5 पावर माइनस 5 इनटू 5 पावर 3 अपॉन में यह 5 पावर माइनस 7 है इंटू 2 पावर माइनस 5 है और 3 पावर माइनस 5 है इंटू 3 पावर माइनस 5। आगे सॉल्व करते हैं, पहले 2 का करते हैं, इज इक्वल देखो 2 के पावर माइनस 5 है ये, और यह डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड होता है तो माइनस लगता है ना, a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इज इक्वल a पावर m माइनस n, और n के प्लेस पर है ये माइनस 5। ओके, अब 3 की बात करते हैं, ये 3 पावर माइनस 5 है, 3 पावर माइनस 5 और ये नीचे वाले डिवाइड में होते हैं ना तो डिवाइड के प्लेस पर माइनस और यह माइनस 5। अब 5 की बात करते हैं, देखो 5 के पावर माइनस 5 तो ये है, यह इनटू हो रहा है तो प्लस हो जाएगा मीन्स प्लस 3, और यह डिवाइड हो रहा है तो माइनस हो जाएगा मीन्स माइनस माइनस 7 माइनस माइनस 7। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं, इज इक्वल हो गया 2 पावर माइनस फाइव, और देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया इंटू थ्री पावर, यह माइनस फाइव है, यह माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया प्लस फाइव इंटू फाइव पावर माइनस फाइव प्लस थ्री, यह माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया मीन्स प्लस सेवन आगे इज इक्वल हो गया। देखो टू पावर प्लस फाइव और माइनस फाइव ये जीरो हो गया इंटू थ्री पावर प्लस फाइव और माइनस फाइव ये भी जीरो हो गया इंटू फाइव पावर, देखो सेवन और थ्री टेन हो गया, टेन से आप फाइव सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइव हो गया। ए पावर जीरो इज इक्वल वन होता है, इज इक्वल वन इंटू फाइव पावर फाइव। स्टूडेंट जब किसी नंबर में वन का मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू चेंज नहीं होती, इट मीन्स इसका आंसर हो गया फाइव पावर फाइव। दैट्स ओके।